afternoon guys और happy Dashera to all. Dashera ride करने का plan चल रहा था actually and finally we are going Kolik. बहुत दिनों से चल रहा था कि Kolik जाए और finally sir को मैंने बताया कि चलो आज कुछ cycle का stand का इंतजाम कर देंगे और हम लोग चलेंगे Kolik. So we are going now Kolik. अभी हम लोग बेलगाम से निकल रहे हैं. It's around 3:30 हो गया है afternoon का. खाना वगैरह सब कुछ हो गया. देन सो अभी पीछे साइकिल्स वगैरह हमने बांध ली है और अभी निकल चुके हैं. अराउंड 45 किलोमीटर है यहाँ से Kolik. सो से चलो निकलते हैं. सो गाइस हम लोग पहुंचे हैं Kolik और हमारे साइकिल्स हमने उतार लिए और बजे है 5. बहुत ही लेट हो गया है बिकॉज ऑफ सम रोड इश्यूज. रोड बहुत ही थोड़ा ख़राब था बीच बीच में. और ये रही साइकिल्स. अभी हम लोग ये साइड पीछे जो जंगल है वहाँ पे जाने वाले हैं पूरा. वहाँ पे अभी रिवर साइड. सो लेट्स गो. बहुत फास्ट से जाना है अभी. यार काश मेरे पास GoPro होता. एक हाथ से साइकिल और एक हाथ से वीडियो शूट नहीं हो रहा. इवनिंग बहुत टाइम हो गया. देन टू यस सुजी सर पूरा जंगल एरिया है और सिर्फ जंगल में हम दोनों ही हैं यहाँ पे. अभी रिवर साइड निकल रहे हैं देख सकते हो. सुजीत सर फुल एक्सप्लोर करते हुए. साइकिल राइड. यार बजे है इवनिंग के 5 और अंधेरा छा रहा है. यार आजकल के दिन बहुत कम है. आई मीन दिन का उजाला कम रहता है और शाम बहुत जल्दी हो जाती है. अभी सिर्फ बजे है 5:15 बट देन टू यहाँ पे लग रहा है जैसे कि अभी 7 बज गए हो. 6:30. सो यार आप यहाँ का जो है ट्रैक देख सकते हो कैसा है. इट्स वेरी डिफिकल्ट यार. यस एक हो शिट. आराम से लगा तो नहीं. आराम से सुजीत सर. यार बहुत डिफिकल्ट है. आप देख सकते हो इट्स कमिंग. भाई आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड नेचर. और जो यहाँ पे आके राइड करेगा हम लोग उसको बोलेंगे नेचर लवर. जो कि इतना दूर से आके यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं. यार यहाँ पे मेरे को कंपल्सरी अभी GoPro लेना पड़ेगा. ये तो मोबाइल से नहीं हो रहा है. अगर मोबाइल से निकालते जाऊंगा शूटिंग तो शोर गिर जाऊंगा नीचे. अभी थोड़ी देर पे यहाँ से लेफ्ट साइड से जो है ये साइड से रिवर आ जाएगी. यस वो एक्चुअली हम लोग बहुत डीप जंगल पे हैं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया है. नागेश भाई नाइस. सो गाइस हम लोग पहुंच गए Kolik. ये है इसका व्यू. ये रिवर और ये रिवर आगे जाके वहाँ पे भी नीचे वाटरफॉल है जो कि मैंने लास्ट वीडियो पे भी आपको बताया था. जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था यहाँ पे आया था साइकिल लेके आया था अलोन. जो भी बेलगाम से सीधा यहाँ पे साइकिलिंग करते आया था और देख सकते हो
बहुत ही शानदार व्यू है यार, बहुत ही। शाम को भी ऐसा लग रहा है कि सुबह हो गई हो, इतना फॉग है यहाँ पे और फुल ग्रीन सीनरी है। चलो थोड़ा रिवर साइड चलते हैं। यार सबसे डरावनी जो चीज़ है हमें यहाँ पे लगी है एक्चुअली, आप ये बायसन देख सकते हो जो रिवर में गिरा है। पानी में जाने का तो अभी कुछ सवाल ही नहीं होता। सो यार ये थोड़ा बहुत ही जंगल डेंजर लग रहा है और वी जस्ट वॉन्ट टू मूव बिकॉज राइड तो ख़त्म हो गई, आगे पानी में तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पे एक शूट ले लेंगे एंड देन विल मूव ऑन बैक टू अवर प्लेस। सो गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँचे और पीछे आप देख सकते हो मिरर पे वो साइड जो है बायसन है। सो बायसन पूरा जो भी है पानी के अंदर है और ये बहुत ही डेंजर सा राइड लग रहा है यार। हम लोग तो जंगल में है, फटी पड़ी है, बहुत खतरनाक जोर से फटी है, आप फेस पे देख सकते हो। सो जस्ट अभी टाइम हो गया और शायद और कहाँ से बायसन वगैरह आ सकते हैं। सो टाइगर बायसन कोई भी आ सकता है साला यहाँ पे, और हम लोग अभी यहाँ से भागना ही पसंद करेंगे। सो वी जस्ट डोंट वॉन्ट टू गेट इन एनी ट्रबल। सो यार चलो निकलते हैं यहाँ से फटक से, और मैं अभी जो वीडियो जो है वो पूरा बाद में करूँगा, अभी नहीं करना है मेरे को कुछ भी वीडियो, बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त फटी फटी है मेरी। तो साला वो बायसन पूरा का पूरा पानी से बह गया कि वहाँ पे गिरा है, शायद रिसेंटली गिरा है। सो नहीं अभी निकलते हैं चलो। रेयर भी नहीं है बहुत ज़्यादा कि तालाब में रहते, वो है बायसन्स, और उसका इतना बड़ा मरा हुआ शरीर देख के ना बहुत ही अलग लेवल की फटी है। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो सामने सुजीत सर है, फ्रंट कैमरा ओपन है, सामने भी हर्डल्स है, और एक्सपीरियंस अभी जाके ना कार में बैठ के एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना कि यहाँ पे क्या हुआ था। और एक हाथ से मोबाइल, एक हाथ से साइकिलिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो गाइस अभी हम लोग निकले बाहर और थोड़ा जंगल एरिया है, पसीना पसीना हो गया। इट इज वेरी डेंजरस, शाम के टाइम पे कभी नहीं आया। हाँ यार डे टाइम पे आया था अच्छा था, बट अभी जो है घर वाले तो गाली मारेंगे अभी इस बात के लिए। तो पूरा वाइल्ड लाइफ है यार, पूरा जंगल है, आप अभी मेरे पीछे देख सकते हो कैसे आएगा। सीरियस पूरा बैकग्राउंड पे पूरा जंगल, और अभी यहाँ तो साइकिल चढ़ी गई नहीं, हर्डल्स है, हर्डल्स फुल हर्डल्स। अभी भी जंगल है, अभी नहीं है। मैं मेरा पसीना यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। भाई वॉइस उन सुनाओ दामोदर। मी आता भेटलो दामोदर सरांना आणि हे कोलीचे रहिवासी आहेत, आणि आता हे चालले आहेत शेताचे राखण करायला, बरोबर। सो ह्यांनी आता शेतामध्ये जात आहेत, हा टाईमला ॲक्च्युली सगळेजण दिवसात शेतामध्ये जातात। तुम्ही संध्याकाळच्या टायमाला शेतामध्ये काय करायला हे तर आपण आला उत्तर पाहूया। आमच्याकडे जंगली जनावर जे आहेत राखण करतात, तो जनावरामध्ये काय काय हे आता तुम्ही जायला तुमचं सेफ्टी काय आहे, म्हणजे कसं ते तुमच्यावरती हल्ला वगैरे असं काय ते आरडाओरडा केल्यानंतर पळून जातो? सध्या ते पळून जातात पण सांगता येत नाही, बाय चान्स होऊ शकते हल्ला असं झालेलं आहे का गावामध्ये, इन्सिडेंट होत असतात। मग तुम्ही जेवणाचं वगैरे कसं की तिकडं डबा जेवण डबा, म्हणजे दिवसा जसं आपण कामाला जातो तसं भाऊ आता सध्या रात्रपाळीच्या कामाला चाललेत। सो भेटून चांगलं वाटलं तुम्हाला, सो चला ठीक आहे, धन्यवाद। हाँ नहीं गाइज एक्चुअली हम लोग अभी निकले वहाँ से जंगल से, सो ये आंटी जी हमें मिली है। सो यहाँ का जो लाइफ है और रूरल लाइफ है जो कि यहाँ पे पूरा वाइल्ड लाइफ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आई मीन एक्सप्लेनेशन देंगे। सो जस्ट लिसन।
मग इकडे गवी रेड्यांचं वगैरे कसं काय आहे, आय मीन हे यायचं कुठल्या टाइमला येतात जास्ती? म्हणजे आता 8-9 वाजेपर्यंत रात्रीचं गावामध्ये वगैरे येतात? गावात नाही, वस्ती मध्ये येत नाहीत, फक्त शेतामध्ये। मग सगळेजण शेतामध्ये संध्याकाळी 5 वाजले म्हणजे म्हणजे जास्ती शेतातले सगळेजण घरीच असतात 5 नंतर। बरोबर, बरोबर। मग कुठले कुठले प्राणी आहेत इथं? आता इथं आता हे गवे, रेडे, डुकर आणि हरण, हे सगळे प्राणी जंगलात जे काय आहेत ते पुरे प्राणी। बरोबर बरोबर। सो तुमचं म्हणजे आता हे बेळगाव वरून माझ्या अंदाज न तरी 40 किलोमीटर तरी गाव आहे तुमचं? बेळगाव वरून मग 32 किलोमीटर आहे। ओके, मग तुम्ही आणायचं वगैरे म्हणजे काय, तुम्हाला इमर्जन्सी वगैरे काहीतरी लागलं, हॉस्पिटलला जायला लागलं, मग तुम्ही कसं त्याचं बेळगावलाच? मग गाडीचं प्रोव्हिजन स्वतःचीच गाडी युज करायची? मग स्वतःची नाही, बस तुडियामध्ये जातो, तुडियामधून दुसरी बेळगाव गाडी पकडतो तिकडून। मग तुमचं ते ट्रान्सपोर्ट म्हणजे जे आहे ते बसेस डायरेक्टली तुमच्या गावाला बस नाही आहे? इकडनं डायरेक्टला चंदगडला आहे, चंदगडला बस आहे। बरोबर, मग तेच आता तुमच्या गावामध्ये असं दवाखाना वगैरे काही नाही आहे, कुठला डॉक्टर तरी असं एवढं लांब म्हणजे गावातला तरी गरजच नाही आपल्याला? आहे पण आम्ही इमर्जन्सी गाडी करतो आणि चालेल। बोलून बरं वाटलं। आणि हा भाऊ तुमचं नाव काय? मावशी तुमचं नाव काय? छान, खूप छान, खूप छान माहिती दिला तुमच्या गावाबद्दल। कोलिक तुमच्या गावाचं नाव? बरोबर। यूट्यूबला हा व्हिडिओ मी पोस्ट करत आहे, सो तुम्ही प्लीज पहा तुमच्या गावाबद्दल। ॲक्च्युली मी ह्याच्या अगोदरसुद्धा आलो होतो इकडे आणि त्याच्यानंतर परत ही व्हिजिट केलो आहे। आणि हा असं हे धुकं बघून वाटते की आता संध्याकाळीसुद्धा वाटते की सकाळ झाले असं। सो आपलं बेळगावकडे कसं संध्याकाळ झाली की संध्याकाळ सकाळ म्हणजे तेवढं, इथं संध्याकाळीसुद्धा सकाळचं वातावरण असं वाटतंय। खूप छान वाटलं गावामध्ये, ॲक्च्युली खूप छान माणसं आहेत या गावामध्ये। ॲक्च्युली मी लास्ट टाईमला आलो होतो तेव्हा मी फक्त पाणी विचारलं होतं एका घरामध्ये, माहिती नाही त्या भावाचं नाव काय मला, बट त्यानं म्हटलं भाऊ जेवण करून जा। सो हे इथल्या लोकांचं हे मला खूप छान वाटतंय। सो चला भेटू आपण मग नेक्स्ट, असू दे असू दे, आणखी कधीतरी येतो। सो गाइस आप देख सकते हो जो कोलिक विलेज है यहाँ पे किस तरह के घर है, और जो भी है यहाँ पे प्रोविजन है वो वाटर, जो भी पानी यहाँ पे बहुत जोर से बरसात होती है उसी लिए इन्होंने इतना प्रोविजन करके रखा है, क्योंकि प्लास्टिक्स वगैरह लगाया है घर को। और ये सामने आप देख सकते हो पूरा जो है घास लगाई हुई है जस्ट फॉर वाटर के लिए, बिकॉज हेवी रेन्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे। छोटे छोटे घर है, बड़े बंगलो तो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको यहाँ पे, RCC बिल्डिंग्स तो है ही नहीं। और ये गांव का टेम्पल यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा ये गांव पे आने के बाद, कुछ नया था, कुछ अलग था। तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं बेलगाम, अभी बजे है ऑलमोस्ट 6:15। आप देख सकते हो ये फॉग इतना है यहाँ पे जो कि मॉर्निंग में भी नहीं रहता हमारे यहाँ पे बेलगाम में, और 6:30 हुआ है अभी, ओनली 6:30 हुआ है, और ये भी गांव के अंदर का फॉग है। सो ऑलमोस्ट बेलगाम से अभी हम लोग 30 किलोमीटर दूर है। साइकिल तो पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से फिट है, और बैक टू बेलगाम चल रहे हैं हम लोग यार। बहुत ही अच्छा खूबसूरत नजारा है, फुल ऑफ फॉग, अच्छे रोड यार, अच्छे रोड तो सिर्फ गांव में ही है, जो सिटी नजदीक आ जाएगा पूरे के पूरे रोड खराब है।